और कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोपरगंज में स्थित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेडीमेड होलसेल कपड़ों की मार्केट में 30 मार्च की रात को आग लग गई थी और आग लगने से मार्केट की 1150 दुकानें जलकर राख हो गई थी। आपको बता दें, आग लगने से मार्केट पूरी तरह से जर्जर हो गई, जिसके चलते व्यापारी मुख्यमंत्री से लेकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज एक बार फिर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी विशाख जे अय्यर से मिलने पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। सबको मालूम है कि 30 और 31 की रात को एक भीषण अग्निकांड हुआ कोपरगंज के अंदर, जिसमें लगभग 1150 दुकानें जलकर राख हो गई रेडीमेड कारोबारियों की। आज डीएम साहब से मिलने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वैकल्पिक व्यवस्था इनको दी जाए, जो दुकानदारों का नुकसान हुए हैं, जिनके ऊपर से छत चली गई है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए ताकि वो कहीं ना कहीं अपना माल रख सकें। जिन व्यापारियों ने अपने ऑर्डर पुराने लगाए हुए हैं, उनका जो माल, जो उनके पैकेज आ रहे हैं, जो पैकेट सारे वो रखें कहाँ, आज वो खुले आसमान के नीचे हैं, उनको छत देने के लिए कहा गया। तो आज डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि एल्गिन मिल नंबर 2 कुछ हाईकोर्ट का कुछ उसमें प्रक्रिया चल रही है, उसकी वजह से वो नहीं दे सकते, लेकिन कोई भी नगर निगम या कीडी की जगह देख के जल्दी से जल्दी दी जाएगी। व्यापारी संगठनों के द्वारा जो इस आगजनी की घटना से प्रभावित जो लोग हैं उनकी सूची उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और उसके साथ साथ जो अभी आज की डेट में बंद पड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसको जितनी जल्दी जहाँ पे चालू कराया जा सकता है या नहीं उसके संबंध में निर्णय लेकर के, खासतौर पर अर्जेंट कॉम्प्लेक्स के संबंध में उन्होंने अनुरोध किया है। तो इसके साथ साथ तटपीय अन्य इश्यूज़ भी थे और उसमें से जो कुछ बचे हुए दुकानों से उनके सामान वगैरह निकालने के संबंध में भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो उसके संबंध में विस्तार में बातचीत हो गई है। और इसके साथ साथ जो बैंक के माध्यम से जो सहयोग और इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड इश्यूज़ थे उसमें भी एक आध इश्यूज़ थे जिसको हम लोगों ने अभी पुलिस आयुक्त महोदय से भी बात करके उसको भी रिजॉल्व किया गया है, और एक कैंप लगाने के संबंध में बातचीत हुई थी। तो जैसे ही सूची प्राप्त हो जाएगी तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी इसका कैंप का आयोजन भी हम लोग करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।